लेट्स अंडरस्टैंड थ्योरी अराउंड HCF. HCF काम कैसे करता है? HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हम इसको GCD भी बोलते हैं, विच इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. अब एग्जांपल से समझते हैं. अगर हमें कोई ये कहता है कि हम HCF का, आप ये निकालिए 1854 का HCF क्या होगा. अच्छा, इसमें ये देखते हैं कि 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं. अगर आप देखेंगे 1 8 में डिवाइड कर सकता है, 2 8 में डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, और 18 खुद कर सकता है, और 9 भी कर सकता है. इसी तरह 54 का जब चेक करेंगे तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है, 18 कर सकता है, 27 कर सकता है, और 54 कर सकता है. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. डिवीजर और फैक्टर क्या होते हैं पहले इसको समझते हैं. अगर आपको कोई कहे कि आपको 18 आपको 16 को डिवाइड करना है 5 से और रिजल्ट शेयर करिए, तो मान लीजिए 5 का मल्टीपल 3, अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, राइट. और उसके साथ एक रिमाइंडर बचेगा तो उस रिमाइंडर होता है. अब इसमें टर्मिनोलॉजी में 5 को बोलते हैं डिवीजर, वो नंबर जो आप जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं. 16 ये वो नंबर होता है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड. और यहाँ ये होता है कोशेंट, या इसको बोलते हैं मल्टीपल. और जो 1 है इसको होता है रिमाइंडर. तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा कॉमन नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है. अब ऐसे बहुत सारे नंबर हैं. 18 में ये सारे नंबर हैं जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं, और 54 को ये सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं. आप सबसे पहले इसमें से कॉमन नंबर निकालने हैं. तो कॉमन क्या क्या है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, 18 भी कॉमन है, 27, 54 कॉमन नहीं है. अब इन कॉमन नंबर्स में से हमें वो नंबर निकालना है जो सबसे बड़ा हो. तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 18 हमारे केस में. तो हमें कहा गया था 18 का और 54 का HCF निकालिए, राइट. तो हमने बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स निकाले. 1 था, 2 था, 3 था, 6 था, 9 था, 18 था, राइट. यहीं तक थे, ये कॉमन फैक्टर्स थे. और भी नंबर थे लेकिन वो कॉमन नहीं थे, ये नंबर थे. और हमें निकालना किस चीज़ का था? 18 का और 54 का. तो इसका HCF क्या होना चाहिए? 18, राइट. क्योंकि ये सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, राइट. तो ये हमारा 1854 का HCF हो गया. अब इसमें एक चीज़ और नोटिस करने वाली है. जब हम ये कहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो उस केस में ये बात भी पक्की है, ये बात पक्की है कि आपका वो नंबर जो भी इन दोनों में से मिनिमम है, राइट, 18 और 54, जो भी नंबर सबसे छोटा है इसमें, 18 या 54, राइट. 1854 में से छोटा नंबर कौन सा है? 18. तो ये बात भी पक्की है कि जो भी आप HCF निकालेंगे वो 18 से बड़ा नहीं हो सकता. आप देख सकते हैं, हमने जब 1854 का HCF निकालने की कोशिश करी, जब डिविजर्स निकाले, तो 18 यहाँ फिनिश हो गया था, और 54 का 54 तक गया था. लेकिन कॉमन नंबर कहाँ तक जा रहा था? 18 तक. क्योंकि 18 का इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, राइट. क्योंकि यही वाइंड अप हो गया. और हम इसी लॉजिक को यूज़ करेंगे हम, और हम इसी पॉइंट को यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में टू फाइंड द HCF. लेट्स सी हाउ. अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है. तो हमने इसके लिए एक मेथड बनाया फाइंड HCF, जिसमें दो इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, ए और बी. अब हमारे केस के लिए ए 18 हो गया और बी 54 हो गया, और हमें उसका HCF निकालना है. अब सबसे पहले बात करते हैं डिविजर्स निकालने की. अगर हमें किसी नंबर के डिविजर्स निकालने हैं कि कौन कौन से नंबर उसे डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम एक फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, उसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसे उस नंबर तक चलाएंगे जिसका हमें डिविजर्स निकालने हैं. तो अगर 18 का एग्जांपल लें तो वो लूप चलेगा 1 से 18 तक, और हम 18 को डिवाइड करते चले जाएंगे आई से, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 8 करते करते 18 तक. और जोन से भी ऐसे नंबर होंगे जिन पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो उसके डिविजर्स बन गए, राइट.
और वही लॉजिक हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है। तो अगर आप देख सकते हैं कि हम यही कर रहे हैं कि हम लूप चलाए हमने वन से और इसको चला रहे हैं मिनिमम ए ऑफ बी, ये हम बात करेंगे हम ये क्यों कर रहे हैं। तो अभी आप ये मान के चलिए कि जैसे ये ए तक चल रहा है और हम इटरेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या ए आई से डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है तो हम एच सी एफ की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। ओके, यही सेम लॉजिक बी के लिए भी है कि अगर हम हमें उसके डिविजन्स निकालने हैं तो हमें यही सेम लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम भी वही कर रहे हैं, हम बी हम इसका रिमाइंडर चेक कर रहे हैं आई के साथ डिवाइड करने पे कि क्या जीरो आया है नहीं। अगर आ रहा है तो हम एच सी एफ उसको असाइन कर रहे हैं। एच सी एफ निकालने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉमन पार्ट, राइट। एच सी एफ स्टैंड्स फॉर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो जो कॉमन वाला पार्ट है अब उसकी बात करते हैं कि उसका क्या मतलब है, उसको किस तरह प्रोग्रामेटिकली कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे दोनों के लिए हमने एंड लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, जहाँ हम चेक कर रहे हैं कि क्या जब हम ए को उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या और हम साथ साथ बी को भी उस नंबर से डिवाइड करते हैं और दोनों में अगर हमें रिमाइंडर जीरो मिलते हैं तभी हम कह रहे हैं कि वो कॉमन डिविजर है, राइट, और तभी हम एच सी एफ की वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसे, राइट। ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें ये लूप कहाँ तक चलाना चाहिए। जो हमने बात की थी कि आपका एच सी एफ किसी भी नंबर्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि अगर हम एच सी एफ निकाल रहे हैं 18 और 54 का तो जो एच सी एफ की वैल्यू होगी वो एट मैक्स 18 तक जा सकती है, राइट, उससे ऊपर नहीं जाएगी। और 18 हमारे केस में क्या है, वो मिनिमम नंबर है उस पेयर में 18 और 54 में से। तो हम उसी पॉइंट का यूज़ करते हैं अपने लूप में और हम ये लूप चला रहे हैं ए और बी में से जो भी मिनिमम वैल्यू है हम ये लूप वहीं तक चला रहे हैं, यानी कि 18 तक, राइट। तो ये लूप क्या चलेगा, 1 से 18 तक चलेगा, हर बार वैल्यू इंक्रीज करेगा लूप के बाद और हर टाइम ए को डिवाइड करेगा उस नंबर से, बी को डिवाइड करेगा, अगर दोनों के रिमाइंडर ज़ीरो आते हैं डिवाइड करने के बाद तभी वो एच सी एफ की वैल्यू अपडेट करेगा विद आई, और जब ये लूप वाइंड अप हो जाएगा तो ये रिटर्न कर देगा एच सी एफ की वैल्यू। चलिए कुछ टेस्ट रन करते हैं देखने के लिए कि काम कैसे कर रहा है। तो मैंने यहाँ दो टेस्ट बनाए हैं, एक में हम 1854 पास ऑन कर रहे हैं और एक में 711 पास कर रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो 18 और 54 का जब हम एच सी एफ निकाल रहे थे तो इसमें जो जैसे हमने थ्योरी में देखा था 18 था एच सी एफ, तो वही वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही है। और हमने दूसरा केस लिया है 7 और 11 का, जब हम कह रहे हैं कि 7 और 11 का कॉमन फैक्टर निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, तो उस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से 1 आ रहा है। ऐसा क्यों है, 7 और 11 प्राइम नंबर्स हैं तो 7 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, सिमिलरली 11 के लिए भी। अब 7 इसीलिए जो कॉमन फैक्टर बचता है वो सिर्फ एक 1 ही बचता है, तो इसीलिए ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 बता रहा है इन दोनों नंबर्स के लिए। उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन टुडे एंड वुड हैव लर्न्ड समथिंग न्यू। इफ यू डिड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द कंटेंट विद अदर्स एज वेल।